हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो गाइस, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपने आधार कार्ड का हिस्ट्री निकाल सकते हैं। हिस्ट्री इन द सेंस, हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे कब हम लोग अपना आधार कार्ड को यूज़ में लिए थे, कब हम लोग उसका मतलब किस दिन लिए थे। ओवरऑल 6 मंथ के अंदर हम लोग जितना भी आधार कार्ड को यूज़ किए हैं तो उसका बारे में पूरा कंप्लीट हिस्ट्री हम लोग देख सकेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप अपने आधार कार्ड को तरह तरह की जगह में यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट उसका रिकॉर्ड रखता है। 6 मंथ का अंदर का आप जो जो यूज़ कर रहे हो उनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट रखता है। इसलिए ये कहा जाता है कि आप अपना आधार कार्ड बना लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड का रिकॉर्ड आपका गवर्नमेंट से अटैच रहता है। उन लोगों के पास सब इन्फॉर्मेशन रहता है, आप क्या क्या कर रहे हैं अपना आधार कार्ड से, और वो आपका वही इन्फॉर्मेशन, अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो वही इन्फॉर्मेशन से आपको पकड़ सकते हैं। तो गाइस, अभी देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल इसको करके। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खोलना होगा। वो वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग गूगल में लिखेंगे आधार कार्ड और इसको एंटर कर देंगे। आधार कार्ड लिखने के बाद जो पहला लिंक जो शो होगा वही लिंक आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए इसको ओपन होने देते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये खुल गया है। तो हम लोग पहला लिंक में क्लिक करेंगे। तो पहला लिंक क्लिक करते ही आप आधार कार्ड का तो पहला ही लिंक क्लिक करते ही आप अपने जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का साइट है आधार कार्ड का, वो साइट में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ आप अपना इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का साइट है, इधर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो गाइज, आप इधर अपना इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो ये ऑफिशियल पेज खुलते ही आपको एक जगह जाना होगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये कंप्लीट प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पीसी नहीं है तो ये कहीं से भी हो जाएगा। तो जैसे ही आपको ये पेज खुलेगा तो आपको जाना होगा आधार सर्विस में। आधार सर्विस में जाने के बाद आपको जाना होगा एकदम लास्ट में, आधार ऑथेंटिकेशन एंड हिस्ट्री। तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे और एक नया टैब खुलेगा। टैब खुलते ही आपको एक नया इंटरफेस मिलेगा। तो इंटरफेस में रुकिए, तो इंटरफेस आप जैसे कि देख सकते हैं ये खुल गया। तो इसके ऊपर जो एंटर यूआईडी मतलब आपका आधार बार नंबर का जो आधार नंबर मिलता है वो वाला डालना होगा। और इधर आपको सिक्योरिटी कोड मतलब ये कोड जो दिख रहा है आपको ये कॉपी करना होगा। ये सिक्योरिटी कोड हमेशा बदलते रहता है, तो जैसा आपका कोड लिखा रहेगा वही आपको लिखना पड़ेगा, कोई भी सिक्योरिटी कोड सेम नहीं होता। सो फ्रेंड, मैं फटाफट से अपना आधार नंबर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं कोड लिखूंगा, उसका जनरेट ओटीपी। तो जनरेट ओटीपी में ये होगा कि आपका जो रजिस्टर फ़ोन नंबर है जो आधार से लिंक्ड है उसमें ओटीपी आएगा, वही ओटीपी को डालना होगा और आपका काम हो जाएगा। तो मैं फटाफट से ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ और मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, मेरा इन्फॉर्मेशन पूरा डल गया है। तो मैं अभी जनरेट ओटीपी में क्लिक करूँगा। जनरेट ओटीपी में जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं रजिस्टर फ़ोन नंबर जो लिंक है आधार कार्ड से उसमें ओटीपी आएगा। और चलिए हम लोग वेट करते हैं ओटीपी का, वो मेरा मोबाइल में आएगा। तो मैं तब तक आपको ये समझा देता हूँ जब तक मेरा ओटीपी आ रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक डब्बा में लिखा हुआ, पहला डब्बा में लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन टाइप। तो इसमें आपको मैं समझा देता हूँ, इसमें जो ऑल लिखा हुआ है, तो गाइस जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे साइड में तो देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, बायोमेट्रिक है, ओटीपी है। तो गाइस, मैं आपको समझा देता हूँ। तो ऑल में आप क्लिक करेंगे तो ऑल में आप जो जो सर्विस यूज़ की है आधार कार्ड का 6 महीने का अंदर तो वो सब दिखेगा। आप अगर ओटीपी में क्लिक करेंगे तो आप ओटीपी सर्विस जो आधार कार्ड का यूज़ किया वही खाली दिखेगा 6 महीने का अंदर। और उसके बाद अगर आप बायोमेट्रिक करेंगे तो आपको 6 महीने के अंदर जितना ही बायोमेट्रिक है वही आपको दिखेगा हिस्ट्री। तो उसके बाद हम लोग इसमें रेंज सेट करेंगे, तो रेंज 6 महीने का मैक्सिमम हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर 6 मंथ लिखा होगा कहीं, ये देखिए जैसे कि देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ। और उसके बाद मैक्सिमम 50 नोटिफिकेशन आप गैदर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे ट्राई करते हैं, इसका रेंज सेट कर देते हैं। चलिए इसका लोग जितना हो सके बैक ले जाते हैं जितना पॉसिबल है। तो ये जून तक होगा, तो इसमें हम लोग क्लिक कर देते हैं और आज का डेट हम लोग दिसंबर का डेट कर लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ रो रिकॉर्ड्स, तो इधर मैक्सिमम 50 है, चले हम लोग 50 लिख देते हैं। और ओटीपी मेरा मोबाइल में आ गया है। तो ओटीपी गाइस, अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा है मोबाइल में तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा अपना फ़ोन नंबर का अपना आधार कार्ड से। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं फटाफट से और सबमिट में हम लोग क्लिक कर देंगे। सबमिट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन कम्प्लीटली आ जाएगा जो 6 मंथ का अंदर है। तो चलिए इसको वेट करते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेट नेट। और आप जैसे कि देख सकते हैं ये खुल गया है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये खुल गया है, अभी देख सकते हैं मेरा कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया जितना मैं यूज़ किया था। और आप देख सकते हैं इसमें जो कहाँ कहाँ आप यूज़ किए वो तो नहीं दिखाएगा, बट आपका रिकॉर्ड हो जाएगा कि किस टाइम आप यूज़ किए थे। जैसे कि मैं अभी जो यूज़ किया
ये अभी आया नहीं है, फिलहाल रिफ्रेश नहीं हुआ। जो अभी भी मैं 28 तारीख को लास्ट OTP वाला किया था और जो अभी मैं तुरंत यूज़ किया उसका भी थोड़ा देर में अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे करके करते सब आते रहेगा। फिर देखें बायोमेट्रिक में, जैसे मैं फिंगरप्रिंट यूज़ किया था कुछ दिन पहले, मेरा काम था। तो ऐसे करते करते आपका जो टाइमिंग है, जो आप देख सकते हैं डेट भी एकदम एक्यूरेट दे रहा, टाइमिंग भी एक्यूरेट दे रहा, तो इससे आराम से पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ अपना यूज़ किया है। सबसे पहले तो आपका सीरियल नंबर जो पता है, सीरियल नंबर कितना, मेरा मैक्सिमम शायद 30 में होगा, मेरा 35 मैक्सिमम है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑथेंटिकेशन टाइप, उसके बाद देखें OTP, बायोमेट्रिक, ऐसे करके बहुत कुछ है। डेट तो पता है किस दिन यूज़ किया, टाइमिंग। तो रिस्पांस कोड में ये होता है कि जो जगह आप अपना आधार कार्ड को यूज़ कर रहे हैं उधर से कोड भेजा जाता है, वही कोड से आपको OTP मिलता है। वो कोड जैसे ही अपना आधार ऑफिस में जाता है तो आपको OTP मिलता है। और उसके बाद देखिए ट्रांजेक्शन ID, उसके बाद ट्रांजेक्शन ID में भी आपको कोड मिलेगा। तो इधर डिफरेंट कोड सबको मिलेगा। उसके बाद देखना ऑथेंटिकेशन रिस्पांस, ऑथेंटिकेशन रिस्पांस में ये होता है कि आप जो अपना OTP या बायोमेट्रिक यूज़ कर रहे हैं अगर वो सक्सेसफुली काम होता है तो उसको यस लिखता है। अगर वो आपका OTP या आधार बायोमेट्रिक जो काम रिस्पांस नहीं होता, मतलब अगर सही से काम नहीं होता तो वो एन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 नंबर और 7 नंबर में मेरा इधर OTP मैं यूज़ नहीं किया था, शायद वो टाइम पार हो गया था। तो ऐसे करके अगर आप वो OTP को काम में लेते तो आई हो जाएगा, और OTP अगर काम में नहीं आया तो एन हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ अपना आधार कार्ड को यूज़ किए थे। और ये बहुत सिंपल सा मेथड है, आप इसको अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने PC से भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, और आपका आधार कार्ड का डिटेल पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ करते हैं, कौन कौन टाइम। तो आपको वो एकदम पर्टिकुलरली नहीं पता रहेगा कि किस तरह आप यूज़ करते हैं, क्योंकि वो नहीं शो कर रहा है कि आप कहाँ यूज़ किए। ये पता चल जाता है कि किस टाइम यूज़ किए हैं, किस डेट में यूज़ किया है। तो आई होप गाइस आपको कंप्लीट वीडियो पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा ये वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए आ गए तो सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में छोटा सा बेल का आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए, उससे होगा यह मैं जब भी न्यू डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड गुड बाय।